हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है संडे और संडे की शुरुआत हो रही है हेल्दी हेल्दी नाश्ते से। तो आज नाश्ते में बना है पोहा। तो पोहा बन चुका है, अब करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में है चाय और पोहा। तो देखिए, आज इतने सारे कपड़े सब मैंने धोए हैं और इतने ही कपड़े मैंने बुधवार को भी धोए थे। और आज इतनी तेज़ धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़। अब आज ना फिर से गर्मी हो रही है, कल तक ठंडा जैसा लग रहा था, आज फिर से धूप हो रही है तो गर्मी लग रही है। और उधर वाले उसमें जो पहाड़ी है, उधर थोड़ी बारिश वारिश हो रही होगी तो वहाँ कोहरा लगा हुआ है। तो कपड़े धोने के बाद और ऊपर सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ नीचे रूम में, और आज हो रही है डस्टिंग। तो झाड़ू लगा चुकी हूँ और नाश्ता वगैरह भी हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले डस्टिंग कर लेते हैं, फिर जब तक ये डस्टिंग निपटेगी तब तक हो जाएगा खाना बनाने का टाइम। तो इसलिए पहले अंदर के काम कर लेते हैं। तो एक एक रूम से कर रही हूँ साफ। पहले एक रूम का साफ करूंगी, फिर दूसरे रूम का साफ करूंगी, फिर किचन में साफ करूंगी। तो इस टाइप से आज मैंने अपना काम बांटा हुआ है। तो आज मैं ना एप्रन ही पहन के काम कर रही हूँ क्योंकि मैं नहा चुकी हूँ। फिर क्या होता है कि कपड़े ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बार बार चेंज करने पड़ते हैं। और आपने देख ही लिया होगा कि रोज के कितने सारे कपड़े हो रहे हैं वॉश करने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज एप्रन पहन के करती हूँ सारा काम। अगर गंदा होगा तो एप्रन ही होगा, कौन बार बार चेंज करे कपड़े। तो अभी 2-3 दिन से हो गया था कंबल ओढ़ने वाला मौसम, बिल्कुल फैन भी मतलब 1-2 पे चल रहा था और कंबल ओढ़ना ही पड़ रहा था। सुबह के टाइम पे भी बहुत ठंड लग रही थी और शाम को भी ठंड लग रही थी। तो अभी मैंने अलमारियां वगैरह भी सारे साफ़ कर दी हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी चिपकी हुई थी इन अलमारियों पे, दरवाज़ों पे। तो इसलिए मैंने ये भी साफ़ कर दिया है। तो इस रूम की अच्छे से डस्टिंग करने के बाद मैंने लगा दिया है यहाँ पे पोछा और ये फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छे से सफाई सिर्फ संडे को ही हो सकती है, बाकी दिनों में तो दौड़ भाग हुई रहती है तो नॉर्मली झाड़ू पोछा ही हो पाता है, इतने डीप से नहीं हो पाती है क्लीनिंग। तो इस टाइप की जो सफाई होती है ना, वो अगर फुर्सत से की जाए, अच्छे तसल्ली से की जाए तो खुद भी अच्छा लगता है फिर। नहीं तो झाड़ू पोछा तो रोज ही होता है लेकिन ऐसा लगता रहे ये भी गंदा हो रहा था, वो भी गंदा हो रहा था, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं पूरे हफ्ते भर में सफाई। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन का ये है कि किचन होता रहता है साफ जब भी कुछ भी सामान रखा जाता है, लेकिन किचन होता भी ज़्यादा गंदा है क्योंकि किचन में ज़्यादा काम होता है कि पानी के दाग धब्बे लग जाते हैं, खाना गिर जाता है। तो इस वजह से फिर किचन को ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैंने आज फिर सारे मतलब अलमारियाँ वगैरह सब साफ़ किए हैं। तो मेरा इतना काम निपटाते निपटाते 12:30 हो गए हैं और मुझे हो रही है अभी खाने की भी टेंशन कि खाना भी बनाना है। तो पहले मैं छत में जाती हूँ, राई लेके आती हूँ और आज बनेगी कपली। तो अभी आ गई हूँ मैं छत में और तोड़ती हूँ पहले राई क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ कपली। तो राई हो ही रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी की कपली बनाई जाए क्योंकि घर की हर चीज़ अच्छी होती है तो इसकी भी टेस्टी बनेगी क्योंकि पत्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो बहुत ही अच्छी बनेगी इसकी कपली, तो मैंने सोचा कि चलो कपली बनाते हैं। तो अभी ये यहाँ पे काम कर रहे थे तो इन्होंने अपना सारा ऐसे बिस्तर विस्तर सारा कर रखा था ख़राब। तो अभी इनके ऑफिस से कॉल आ गई है तो ये कर रहे हैं बात। तो मैंने सोचा कि मैं खाना तो फिर भी बना सकती हूँ लेकिन अगर ये बाहर से आ गए और फिर बिस्तर में बैठ गए तो उठाना हो जाएगा बहुत मुश्किल। तो इस वजह से मैंने फटाफट से ये बिस्तर कर दिया है ठीक। तो ये रूम ऐसा है कि यहीं पे सारा खाना बना होता है, बैठना होता है यहाँ पे, इनके ऑफिस का काम भी यहीं पे करते हैं। तो फिर जब
आ जाते हैं ना एक बार, तो इनका पूरा मतलब ऑफिस का पूरा सेटअप हो जाता है यहाँ पे। लैपटॉप वगैरह बिछा के बैठ जाते हैं, फिर क्या होता है कि फिर जब तक काम नहीं निपटता है तब तक उठते नहीं है। फिर अगर उठ भी जाएंगे तो फिर क्या होता है कि लैपटॉप मत छेड़ना, ये मेरी चीज़ें ऐसे रहने देना, ये वो, तो उस वजह से फिर ना हो नहीं पाती सफाई। तो मैंने सोचा कि जब तक बाहर है तब तक मैं यहाँ पे फटाफट से डस्टिंग वगैरह भी कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे जब तक वो बाहर थे तब तक पूरी खिड़कियों की भी डस्टिंग कर दी है, और खिड़कियाँ भी काफ़ी गंदी हो रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी इतने दिन से, तो वो पानी सारा अंदर आ रहा था। तो खिड़कियाँ बंद ही थी तो जो पानी टच होता है ना खिड़कियों के शीशे पे तो उसके भी दाग पड़ जाते हैं, तो काफ़ी दाग पड़े हुए थे तो वो भी साफ़ किया मैंने। तो रूम को सेट करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद वहाँ का भी मैं आ गई हूँ किचन में, और ये सब्जियाँ तो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, साफ़ ही है ये वाली सब्ज़ी। थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी इसलिए अच्छे से धो लूँगी मैं इसे। तो धोने के बाद अच्छे से कट कर दी है बारीक से मैंने। तो कफली आप पालक की भी बना सकते हो, तो मैं आज राई है तो राई की बना रही हूँ, राई की भी अच्छी होती है कफली। तो जो भी मतलब गढ़ वाली डिशेज होती है ना वो जब तक लोहे की कढ़ाई पे ना बने तब तक उनका टेस्ट नहीं आता है। तो लोहे की कढ़ाई मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि इसको धोने में बड़ी झंझट होती है। मतलब मैंने आप अभी भी देख रहे होंगे इतना धोने के बाद भी तब भी इसमें थोड़ा सा रह ही जाता है। तो मैं नींबू से और नमक से धोती हूँ इस कढ़ाई को। तो अब कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल, वो गरम कर दिया है, और डाला है जीरा और जख्या, क्योंकि गढ़वाली जो भी चीज़ें होती हैं उसमें जब तक जख्या नहीं पड़ता है तब तक कोई टेस्ट नहीं आता है। तो प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें ना चाहें तो ना डालें। बस इसमें जो मेन होता है वो है लहसुन का तड़का, तो वो मैं भी डालूंगी। तो मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ था तो वही यूज़ कर रही हूँ। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस पेस्ट की कि ऐसा लग रहा था कि मार्केट से ही खरीद के लेके आ रखी हूँ इसको। तो जब ये भुन रहा था ना तब भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी। तो प्याज को भून लेना है। तो ये देखिए प्याज लहसुन भुन गया है, तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ राई। तो ये पत्ते इतने मुलायम थे ना कि ये मतलब ऐसे मेरे भूनते भूनते ही अच्छे से पक गए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल सॉफ्ट वो चाहिए था, इसका टेक्सचर चाहिए था। तो मैंने फिर ढक्कन लगा के तो पकाया है। तो अभी जब ये सब्जी बन रही है तो मैं इसी टाइम पे ही मसाले ऐड कर लूँगी। तो मसाले नॉर्मल मसाले जो होते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक डाल के बस बनाना है। तो ट्रेडिशनल जो उत्तराखंडी डिशेज होती हैं ना वो कम मसाले में बनती हैं, उनको इतना मसाला नहीं चाहिए जैसे और मसाले में कि खड़े मसाले डालो, आप ये मसाला डालो, वो मसाला डालो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। सिर्फ नॉर्मल मसाले में ही टेस्टी से टेस्टी खाना बन जाता है, जो पहाड़ी खाना होता है। तो बस ये मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं, इनको चलाते हुए थोड़ी देर के लिए मैं इसको पका लूँगी। तो हमारे यहाँ पे इसे कफली बोली जाती है और यहाँ पे इसे बोला जाता है काफा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, कफली और काफा दोनों एक ही चीज़ होती है। तो जब तक सब्जी बन रही है तब तक मैं बाहर आ गई हूँ। मैं कर रही हूँ अपने जूते चप्पलों की सफाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, कीचड़ ही कीचड़ हो रहा था जूते चप्पलों पे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी धो दिया जाए। तो फिर मैंने की वॉश बेसिन की सफाई। वॉश बेसिन की सफाई से पहले मैं मशीन पूरी साफ़ कर चुकी थी क्योंकि आज कपड़े बहुत ही ज़्यादा धोए हैं। तो कुछ तो मैंने हाथ से धोए हैं क्योंकि जैसे कॉलर वॉलर नहीं आते हैं साफ से, तो कुछ तो हाथ से धोए, पर छालने के लिए मैंने मशीन में डाले थे क्योंकि ड्रायर की भी ज़रूरत है कपड़ों पे, क्योंकि धूप पता नहीं कब तक रहेगी। अभी तो तेज़ धूप हो रही है, क्या पता दिन तक मौसम अगर ख़राब हो जाए
तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसी पे मैंने छाले हैं आज कपड़े। तो मशीन को भी मैंने पूरा साफ़ किया, पूरी धोई है मशीन, तो वो मैंने सुखाने के लिए अलग से रख दी है अभी। तो आज बाहर का पोचा, सीढ़ियों का पोचा सब किया मैंने, फिर मशीन मैंने इधर कोने में लगा दी। तो देखिए हरी सब्जी भी बन के तैयार हो गई है। तो जिस परात पे मैंने सब्जी काटी थी उसमें थोड़ा सा पानी था, जिसमें मतलब हरा हरा सा पानी जो होता ही है सब्जी से निकलता ही है, वो पानी मैंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उस पे बहुत सारे विटामिन्स, आयरन वगैरह सब कुछ होता है उसी पानी में। तो मैंने वो डाला नहीं, उसी में मैंने थोड़ा सा बेसन का घोल बना दिया था। तो नॉर्मल बेसन घोला है मैंने, इसमें मैंने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया है बेसन बेसन में, क्योंकि मसाले मैंने सब्जी में ऐड किए हुए हैं। तो बस ये डाल दिया है मैंने। तो पानी की क्वांटिटी मैं अच्छे से कर दूंगी इसमें, क्योंकि इसे अच्छे से पकाना है जब तक मतलब बेसन का जो कच्चापन है वो ना चला जाए। तो मतलब आधा घंटा समझ के चलो आप कि पकेगा, तो उस हिसाब से फिर पानी ऐड कर लेना है। तो मैंने अच्छे से पानी ऐड कर लिया है और मैं इसको पकाने के लिए रख दूंगी, तब तक मेरे और काम निपट लेंगे। तो जैसे मैंने मतलब सब्जी बनाई राई की और मैंने इसमें डाल दिया है बेसन का घोल, तो आप चाहे तो ना थोड़ा सा मिक्सी में पीस भी सकते हो इसे, लेकिन मैंने नहीं पीसा है क्योंकि पत्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे, तो वो वैसे ही भापी भाप से भी पक गए थे अच्छे से, तो मुझे नहीं लगी ज़रूरत, क्योंकि कपली तो ऐसी अच्छी होती है, नहीं तो वो फिर साग बन जाता है, तो कपली यही होती है, ऐसी अच्छी लगती है, तो मैंने फिर नहीं पीसा। आप चाहे तो पीस सकते हो। तो ये देखिए उबाल आ गया है कपली में, तो इसे मैंने थोड़ा और पकाया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेसन लग रहा था अभी कि कच्चा है बेसन, तो मैंने इसे थोड़ा सा और पकाया है एक दो उबाल के साथ। और तो जब एक दो उबाल आ गए हैं तब मैंने बंद कर दिया था कपली को। तो बस लंच रेडी है, देखिए कितना अच्छा लंच है आज का, बिल्कुल उत्तराखंडी जो लंच होता है, घर की याद आ जाती है इसे देख के, क्योंकि हम लोग ना यहाँ पे बहुत ही कम बनाते हैं ये सब चीज़ें। तो घर में मतलब गांव में इतना बनाते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन लोग यही खाते हैं वहाँ पे, क्योंकि होती भी है घर पे, मार्केट का उन्हें खरीदना नहीं पड़ता है। तो आ जाइए आप लोग भी लंच करने के लिए। तो लंच में है कपली भात, रायता और भिंडी की सब्जी।